अस्सलाम वालेकुम। हाउ टू डाउनलोड मल्टीपल इमेजेस फ्रॉम एनी वेबसाइट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप मल्टीपल इमेजेस किसी भी वेबसाइट से एट अ टाइम किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं कोई वेबसाइट ओपन करता हूं, जैसा कि unsplash.com। मैं इस वेबसाइट पर आया और मैं फूड एंड ड्रिंक पर मैं क्लिक किया, या मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ फूड्स। मेरे पास फूड से रिलेटेड सारी इमेजेस आ गई और यहाँ पे जितने भी इमेजेस हैं इस एक पेज पे जो शो हो रही हैं मेरे पास, यहाँ पे मैं इनको सबको इकट्ठा डाउनलोड कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं क्रोम के एक्सटेंशन पे जाऊँगा, मैनेज एक्सटेंशंस, थ्री लाइंस पे आया, यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा, ओपन क्रोम वेब स्टोर, और यहाँ पे हम लिखेंगे इमेज डाउनलोडर। इमेज डाउनलोडर मेरे पास पहली जो एक्सटेंशन आ रही है इसको मैं ऐड करूँगा, एड टू क्रोम, एड एक्सटेंशन। मैं इस एक्सटेंशन को पिन कर लेता हूँ, मेरे पास एक्सटेंशन यहाँ पे आ रही है, इसको मैंने पिन किया, यहाँ पे शो हो रही है। हम वेबसाइट पे गया जहाँ से हमने इमेजेस डाउनलोड करनी है, तो ये जो इमेजेस मेरे पास इस वक्त शो हो रही हैं ये इमेजेस मेरे पास एक्सटेंशन पे गए, ये सारी इमेजेस मेरे पास जो भी इस वेबसाइट पर हैं सारी की सारी शो हो रही हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस एक्सटेंशन को बताना चाह रहा हूँ कि मेरे पास वो इमेजेस मुझे शो करवाओ जिसकी कम अज़ कम विड्थ जो है 400 हो, और मुझे वो इमेजेस शो करवाओ जिसकी हाइट कम अज़ कम 200 हो। ठीक है, मैंने ये 200 कर दिया। अब मेरे पास वो इमेजेस शो हो रही हैं जिसकी हाइट विड्थ जिसकी है कम अज़ कम 400 है या 400 से ज़्यादा है और हाइट 200 से ज़्यादा है। ठीक है, इमेजेस पे गया, जो इमेजेस मुझे अच्छी लगती हैं अगर मैं उनको सेलेक्ट कर लेता हूँ तो उनको मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, और डाउनलोड पे क्लिक करने से पहले यहाँ पे मैं इसको फोल्डर एक बना देता हूँ कि मेरे पास इस ऑटोमेटिकली ये फोल्डर क्रिएट हो जाए, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ बल्क इमेजेस। ठीक है, बल्क इमेजेस का एक फोल्डर ऑटोमेटिकली बन जाएगा, और रीनेम फाइल्स मैं यहाँ पे कहता हूँ 0, तो ये 0 से स्टार्ट होंगे नाम, बाकी 0102 0103 इस तरह से फाइल्स के नाम ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। डाउनलोड पे मैंने क्लिक किया और ये जो है आ रहा है, इसको आप रीड कर लें, इसको गॉट इट कर लें, डॉट शो अगेन, इसको यस डाउनलोड कर लें, आपके पास सारी इमेजेस यहाँ पे डाउनलोड हो जाएंगी। इनको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, ये सारी इमेजेस 0102, और इसी तरह से ये बल्क इमेजेस का फोल्डर बन गया मेरे पास, ये बल्क इमेजेस। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।